आईमो तो आजकल हर कोई इस्तेमाल करता है ऑडियो कॉल करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए। लेकिन कभी आप सोचे हो जिस आईमो से आप वीडियो कॉलिंग करते हो, यहाँ से देखिए हम आपको दिखाते हैं, जिस आईमो से आप वीडियो कॉल करते हो वही आईमो का वीडियो कॉलिंग, अगर आप वीडियो कॉलिंग पे पर्सनल बात करने लगते हो, पर्सनल मोमेंट शेयर करने लगते हो, अगर खुदा ना खास्ता कभी अभी भावी संजोग अगर आपका आईमो अगर हैक हो जाए, या आप जिस बंदे से आप बात कर रहे हो या जिस बंदी से आप बात कर रहे हो वही बंदी आपका आईमो का स्क्रीन रिकॉर्डर का वीडियो बना के अगर किसी भी सोशल मीडिया पे अगर डाल दे तो आपका ऐसे में हर प्राइवेसी लीक हो जाएगा। लेकिन किसी भी बंदे पर आप इतना भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि आप अपना पर्सनल मोमेंट वीडियो कॉलिंग के जरिए शेयर नहीं करना, क्योंकि जिस सामने वाले बंदे पे या बंदी पे आप इतना ट्रस्ट करते हो सके अगर वही आपको धोखा दे दे, तो अगर हो सके उसको आईमो के बारे में ज़्यादा पता ना हो, अगर उसका आईमो किसी ग्रुप से कनेक्ट हो जाए तो ऐसे में क्या होगा, आपका वीडियो कॉलिंग जो करते हो पर्सनल मोमेंट अगर आईमो के वीडियो कॉलिंग पे आप शेयर करते हो तो वैसे में तो आप परेशानी में फंस जाओगे, वैसे में आप परेशानी में फंस जाओगे। अगर हो सके बीच में अगर आपका कभी भी आपका जो आईमो आप अपने फ़ोन में इस्तेमाल करते हो आईमो कहीं भी अगर हैक हो जाए तो वैसे में तो आपका हर प्राइवेसी लीक हो जाएगा। लेकिन आप सोचते हो हम तो वीडियो कॉलिंग करते हैं आईमो में, केवल यहाँ पे हम रहते हैं लेकिन सामने जो बंदा रहता है, बात करने वाला रहता है या करने वाली रहते हम दो ही आदमी रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप दो आदमी सोचते हो लेकिन उस वीडियो कॉलिंग के दौरान आपके साथ में तीन आदमी रहता है। तीन आदमी किस तरीके से रहता है आप तो सुन के चौंक जाओगे, परेशान हो जाओगे कि हम तो वीडियो कॉलिंग करते हैं, यहाँ से हम लगाते हैं, वहाँ पे सुनने वाले हमारा फ़ोन उठाते, बीच में हमारा बात होते रहता, लेकिन आप बात किस चीज़ से करते हो, इंटरनेट कनेक्शन रहता है आपके साथ में। जी हाँ, आपके साथ में एक इंटरनेट रहता है और आप जो कॉल करते हो आप रहते हैं, आपका कॉल रिसीव करने वाले हो, तो यहाँ पे तीन आदमी हो गया। लेकिन तीन आदमी पे आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो, सामने वाले बंदे पे आप ट्रस्ट भी कर सकते हो, बंदे वाले बंदे पे हो चाहे बंदी पे ट्रस्ट भी कर सकते हो, लेकिन आप इंटरनेट पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन आप जाके किसी भी अदर वेबसाइट पे आप जाके सर्च करोगे तो सबसे ज़्यादा वीडियो मिलेगा, आईमो कॉलिंग का वीडियो मिलेगा। आईमो कॉलिंग का वीडियो कैसे आता है वहाँ पे, इसी तरीके से आता है, क्योंकि आईमो का जो वीडियो बोलते हो आप लोग सोचते होंगे कि आईमो का वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन किसी भी बहुत सारा प्ले स्टोर में स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाता है, उस स्क्रीन रिकॉर्डर से आप आईमो का वीडियो बना सकते हो। तो आप अपने होशियारी के हिसाब से बात करें, पर्सनल मोमेंट यहाँ पे आईमो वीडियो कॉलिंग पे शेयर ना करें। तो ये हो गया हमारा दूसरा। तो चलो चलते हैं तीसरे और इम्पोर्टेड सेटिंग के तरफ। तीसरा कुछ हम आपको बताने वाले, जैसे आप किसी भी पब्लिक प्लेस में जाते हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो गया, चाहे एयरपोर्ट हो गया, कहीं भी, चाहे मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाने के बाद वहाँ पे आप किसी भी फ्री वाई पे पब्लिक यानी पब्लिक फ्री वाईफाई को आप अपने फ़ोन में कनेक्ट करते हो और वहाँ से आप फ़ोन करने लगते हो, या आप अपना जो आपका बैंक डिटेल रहता है आपके फ़ोन में वो चीज़ को आप सर्च करके देखने लगते हो, वो चीज़ आप खोल के देखने लगते हो, वैसे में आप फंस जाओगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, पब्लिक वाईफाई कभी भी आप अपने फ़ोन में कनेक्ट नहीं करना है। अगर पब्लिक वाईफाई अगर आप अपने फ़ोन में कनेक्ट भी करते हो तो वहाँ पे आप अपना वीडियो कॉलिंग बात किसी से भी नहीं करना, उसके बावजूद अपना जो बैंक डिटेल है उस पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करके, वहाँ से पब्लिक वाईफाई कनेक्ट करने के बाद यहाँ से अपना बैंक डिटेल कोई भी वहाँ पे खोलना नहीं है, क्योंकि आप देखते होंगे अगर आप गलत वेबसाइट पे जाके आप सर्च करते हो, वो अदर वेबसाइट पे आप जाके सर्च करते हो तो सबसे ज़्यादा वीडियो आपको कौन सा मिलता है, सबसे ज़्यादा वीडियो मिलता है आईमो रिकॉर्डिंग वीडियो, आईमो का जो वीडियो रिकॉर्ड होता है वही आपको मिलता है। ये वीडियो रिकॉर्ड होता कैसे, जो दो आदमी बात करते रहते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, अपने जो बात करते रहते उस वीडियो को रिकॉर्ड करके उस वीडियो को अपने फ़ोन में गैलरी में सेव कर लेते हैं, या प्ले स्टोर से किसी ऐसे एप्लीकेशन को वो डाउनलोड करते हैं जिस एप्लीकेशन में वो कोड लगा कर रखते हैं, उस वीडियो को उस एप्लीकेशन में वो डाल के सेव, वो सोचते हैं कि हमारा वीडियो इसमें सेफ है। लेकिन आप जब भी उस एप्लीकेशन को जाते हो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद उस एप्लीकेशन को जैसे आप ओपन करते हो तो एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगता है, लेकिन आप पढ़ने के देखने के बावजूद जो भी परमिशन आपसे मांगते रहते हैं हर परमिशन उस एप्लीकेशन को आप दे देते हो।
हर परमिशन उस एप्लीकेशन को दे देते हो। इसे परमिशन देने के बाद वो क्या होते हैं, वो जो एप्लीकेशन में आप जो प्राइवेट वीडियो रखते हैं, प्राइवेट फ़ोटो रहते हो, वही एप्लीकेशन अपना डाटा किसी अदर वेबसाइट को शेयर कर देते हैं, अदर वेबसाइट को अपना डाटा बेच देते हैं। वैसे में आपका वीडियो वो अदर वेबसाइट पे या फोन वेबसाइट पे आपका वीडियो चला जाता है, उससे उस वीडियो से उस बंदे को या उस वेबसाइट वाले को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उससे कमाई होते हैं। तो आप अपने मोबाइल को वीडियो कॉल करने से पहले आप सतर्क रहें और अपना जिम्मेदारी खुद उठाएं, दूसरे पे ब्लेम ना करें। और वीडियो कॉल करने से पहले अपना प्राइवेट मोमेंट शेयर करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचने के बाद ही कोई ऐसा वीडियो कॉल पे कोई ऐसा गलत चीज़ करे, नहीं तो ऐसे में आपका ज़िंदगी भी ख़राब हो सकता है। तो उम्मीद है आप लोग को एक छोटी सी जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पे सेट कर देना। अगर आप लोग चाहते हो आईमो का फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हो, आईमो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद A to Z सेटिंग में इस नेक्स्ट वीडियो में मैं हम आपको बताने वाला हूँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, हाई लेवल का वीडियो मैं बताने वाला हूँ आईमो का क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या सेटिंग रहता है, A to Z सेटिंग हम आईमो का बताने वाला हूँ। तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर जरूर करना। हर परदेशी भाई जो हमारा हर परदेशी भाई जो रहता है हमारा वीडियो कॉलिंग का 100% वो लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करना। हर परदेशी भाई के मोबाइल तक इस वीडियो को आप लोग ज़रूर पहुंचाना, वो लोग भी सेफ रह सकता है, सिक्योर रह सकता है इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू भाई लोग।